हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल BMS लेक्चर्स में। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, दैट इज़ डायरेक्ट परसेप्शन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रत्यक्ष शब्द की निरुक्ति के बारे में बताया गया है। प्रत्यक्ष शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्रति और अक्ष। प्रति का अर्थ है सामने और अक्ष का मतलब है आँख। यहाँ पर आँख से सिर्फ हमें उसका ग्रहण नहीं करना है, मतलब सिर्फ आई का ग्रहण नहीं करना है, हमें पंच इंद्रियों का ग्रहण करना है। ठीक है, इस प्रकार प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ आँखों के सामने होता है। जो आँखों के सामने है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं। प्रत्यक्ष का क्या अर्थ इससे निकला कि जो हमारे बिल्कुल सामने है उसे ही हम ग्रहण करें, हमारे नेत्र जो हैं उसे ही ग्रहण करें, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष। अक्षम अक्षम प्रतीत्यो उपद्यते इति प्रत्यक्षम। अक्ष शब्द के केवल आँख से केवल आँख यह अर्थ न ग्रहण कर अन्य इंद्रियों का भी ग्रहण करना चाहिए, अर्थात ज्ञान इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण। तो ये श्लोक आपको याद करना है, आत्म इंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्षान प्रवर्तते व्यक्त तदात्वे या बुद्धि ही प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। जनक सूत्र अध्याय 11 श्लोक नंबर 20। ये श्लोक आपको बहुत अच्छे से याद करना है, बार बार आपसे पूछा जाता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में, 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपको प्रत्यक्ष प्रमाण लिखने के लिए आता है तो आपको ये श्लोक ज़रूर लिखना है। इसमें देखिए क्या बता रहा है, आत्म इंद्रिय मन और अर्थ यानी इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध के सन्निकर्ष से या संयोग से जो बुद्धि या ज्ञान तक तत्क्षण प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए चक्रपाणी का मत है कि सन्निकर्षात है ना उस तो यहाँ पर इनने 6 प्रकार के बताए हैं संबंध, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय संवेद समवाय और विशेषण विशेष भाव समवाय, विशेषण विशेष भाव। तो ये 6 जो हैं आप इनके अभी नाम याद कर लीजिए, आगे जो है क्लासिफिकेशन में आएगा तो हम इनके बारे में डिटेल्ड पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये 6 इनका क्या अर्थ होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है एक टेबल बनी हुई है, ऊपर एक सारणी बनी हुई है जिसमें इनने बताया कि ज्ञान कैसे होता है। तो आत्मा को ज्ञान कैसे होगा, पहले सबसे पहले प्रत्यक्ष ज्ञान जैसे हमें प्राप्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आत्मा मन से सन्निकर्ष करेगी, संयोग करेगी, फिर मन जो है वो ज्ञान इंद्रियों को बोलेगा कि तुम जाकर देखो, फिर ज्ञान इंद्रियां अपने विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध को जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर देखेंगी और फिर प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति करेंगी। तो इस प्रकार से जो है आत्मा को ज्ञान होता है, तो ये सारणी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए सुख दुख आदि विषय का भी मन के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, किंतु इसमें आत्मा आदि चारों का संयोग नहीं होता। मन का आत्मा से संयोग होता है किंतु इंद्रिय और विषय का संयोग नहीं होता, अतः इसे प्रत्यक्ष नहीं कह सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, आपने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा था कि जो मन होता है, मन के लक्षण में आया था कि मन को सुख और दुख का ग्रहण होता है ना, पर मन तो को अति इंद्रिय माना गया है ना, उसको ज्ञान इंद्रिय माना गया ना कर्म इंद्रिय माना गया, मतलब जो सुख और दुख का उसको ग्रहण हो रहा है उसमें उसको किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है, उसका किसी और इंद्रिय के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है जिसके कारण उसको ज्ञान हो रहा है। तो यहाँ पर जो है मन का डायरेक्ट आत्मा से संयोग हो रहा है लेकिन इंद्रियों से नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसे प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं मानेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञानम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात इंद्रियों का उनके अर्थों से सन्निकर्ष होने पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं। डायरेक्ट परसेप्शन, डायरेक्ट परसेप्शन इज द नॉलेज ऑब्टेन्ड इंस्टेंटली विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरमेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि डायरेक्ट परसेप्शन यानी प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, इंद्रियों की सहायता से आसपास के वातावरण का जो एक्चुअल ज्ञान हमें होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण। इन डायरेक्ट परसेप्शन वी कैन परसीव एन ऑब्जेक्ट विदाउट द यूज ऑफ मेमोरी, मतलब यहाँ पर हमें अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम देख कर ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। इसके बाद आगे देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के जो मुख्य 2 भेद हैं, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और सविकल्पक प्रत्यक्ष। पहले हम एक सारणी जो है ये वाली सारणी, इससे आप देखिए कि सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण के 2 भेद, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और सविकल्पक प्रत्यक्ष। तो
निर्विकल्प क्या होता है, विषय की प्रतीति मात्र होना, और सविकल्प अर्थात विषय के अंश अंश का ज्ञान होना। मतलब अगर आपको दिख रहा है कि कोई व्यक्ति सामने खड़ा है और आप उसे पहचान नहीं पा रहे ड्यू टू डिस्टेंस और एनी रीजन, तो उस वो क्या होगा, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। मतलब आपको दिख तो रहा है कि कोई खड़ा है बट आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, आपको केवल प्रतीति मात्र हो रही है कि वहां कोई है। सविकल्पक प्रत्यक्ष क्या होता है, विषयों के अंशांश का ज्ञान होता है। मतलब यू कैन आइडेंटिफाई हु द पर्सन इज, उसका नाम क्या है, अगर आप उसे जानते हैं क्या आप उसे नहीं जानते, इन सभी चीजों का ज्ञान आप उसको देखकर कर पाएंगे। अगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि वो व्यक्ति कौन है तो उसको हम मानेंगे सविकल्पक प्रत्यक्ष। फिर सविकल्पक प्रत्यक्ष के फिर से दो भेद बताए गए हैं, लौकिक और अलौकिक। ठीक है, तो लौकिक प्रत्यक्ष क्या होता है, विषयों का इंद्रियों से प्रत्यक्ष संबंध जब होकर के ज्ञान होता है तो लौकिक ज्ञान। मतलब शब्द स्पर्श, ये जो घ्राण इंद्रियां हैं, रसन इंद्रियां हैं, इन सब इंद्रियों के थ्रू जो ज्ञान होता है वो लौकिक प्रत्यक्ष में आएगा। और जो इंद्रियों के प्रत्यक्ष संबंध के बिना जो ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या होता है, अलौकिक प्रत्यक्ष में आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लौकिक प्रत्यक्ष के फिर से दो भेद, बाह्य लौकिक और अभ्यांतर लौकिक। तो बाह्य में जो श्रावण त्वक चक्षु इंद्रिय द्वारा, जो बाह्य इंद्रियों के द्वारा, मतलब जो बाहर से ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष। और जो मन के द्वारा अभ्यांतर सुख दुख का जो ज्ञान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अभ्यांतर लौकिक प्रत्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रिय और विषय के से सन्निकर्ष होता है। यह सन्निकर्ष फिर से छह प्रकार का होता है, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय संवेद समवाय और विशेषण विशेष भाव। तो ये छह नाम आपको याद रखने हैं, इनका डिटेल अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो ये सारणियां बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके अलावा देखिए अलौकिक के भी भेद बताए गए हैं तीन, सामान्य लक्षण प्रत्यासत्ति, ज्ञान लक्षण प्रत्यासत्ति और योगज प्रत्यक्ष। ठीक है, फिर योगज के फिर से दो भेद है, युक्त और युंजान। अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको सभी का जो है समझ में आ जाएगा कि सविकल्पक निर्विकल्पक क्या होता है। ये बहुत ईजी है, ऐसा कुछ बहुत टिपिकल नहीं है इसमें, बस आपको नाम से जो है उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, देन यू कैन गेट करेक्टली टू द आंसर। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम पढ़ते हैं सविकल्पक और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के बारे में। तो सबसे पहले देखिए निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, मैंने आपको बताया था क्या होता है, जिसमें सिर्फ प्रतीति मात्र होती है। वस्तु के अंशंश के ज्ञान को विकल्पक या प्रकारक ज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान में वस्तु के अंशांश का ज्ञान न होकर केवल यह प्रतीत होता है कि वह वस्तु मात्र है, उसे क्या बोलते हैं, निर्विकल्पक या फिर निष्प्रकारक ज्ञान। यदि कोई वस्तु दूर स्थित हो तो उस वस्तु की केवल प्रतीति मात्र होती है, उसके अंशांश का स्वरूप अर्थात उसका नाम, विशेषता आदि का ज्ञान नहीं हो पाता है, तो ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान को निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसका देखिए अप्लाइड एस्पेक्ट बहुत ही अच्छा यहाँ पर बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल एग्जामिनिंग फंगस इन फंगल इन्फेक्शन, इफ लाइट इज नॉट फोकस्ड प्रॉपरली ऑन द माइक्रोस्कोप, देन वी गेट अ हेजी इमेज wherein it is difficult to identify the fungal hyphae, but we are sure that something like fungal hyphae is present. This is indeterminate direct perception. इसका क्या अर्थ होता है, तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको एक फंगल इन्फेक्शन की स्लाइड दिखाई जाएगी, ठीक है, और उसमें फोकस सही से नहीं किया जाएगा तो आपको इमेज कैसी दिखेगी, ब्लर दिखेगी, तो आप उसमें इतने अच्छे से तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये क्या है, किस चीज़ की स्लाइड है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये कुछ हाइफी जैसा लग रहा है, तो इट माइट बी अ फंगल हाइफी, हो सकता है कि ये एक फंगल हाइफी की स्लाइड हो। लेकिन अगर वही अगर फोकस अच्छे से किया जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक फंगल हाइफी है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सविकल्पक प्रत्यक्ष के एग्जाम्पल में आ जाएगा, डिटर्मिनेट फंगल माउंट गिविंग क्लियर डिटेल पिक्चर ऑफ फंगल हाइफी। ठीक, फिर उसके बाद देखिए सविकल्पक प्रत्यक्ष क्या होता है, सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पम, अर्थात जिस प्रत्यक्ष ज्ञान में वस्तु के नाम, विशेषता आदि का ज्ञान होता है उसे सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। उदाहरण, एक लकड़ी का हाथी या एक ब्राह्मण है या श्याम है, मतलब आप आइडेंटिफाई जहां पर अच्छे से कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सविकल्पक प्रत्यक्ष। इसके बाद हमने पढ़ा था सारिणी में कि सविकल्पक प्रत्यक्ष के भेद लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। तो लौकिक क्या होता है, जिसे हम इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं वो होता है लौकिक, और अलौकिक क्या होता है, जो कि इंद्रियों के द्वारा ही प्राप्त होता है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होता है ना। इसको अभी आप आगे अच्छे से समझेंगे। जैसे देखिए लौकिक प्रत्यक्ष, विषयों का इंद्रिय से प्रत्यक्ष संबंध होकर प्रत्यक्ष ज्ञान का होना लौकिक प्रत्यक्ष। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं सामने एक पेड़ है और आपको ज्ञान भी सामने से ही हो रहा है, ठीक है, ये होता है लौकिक प्रत्यक्ष।
और अलौकिक प्रत्यक्ष मतलब मान लीजिए एक बर्फ का ढेला रखा हुआ है, तो आप उसको बिना छुए बता सकते हैं ना कि वो बर्फ ठंडी है। तो यहाँ पर आपने चक्षु इंद्रिय से तो देखा कि वो बर्फ है, लेकिन बिना छुए आप बता सकते हैं कि वो स्पर्श में शीतल है ना। तो यहाँ पर आपकी त्वक इंद्रिय का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज पता है, तो ज्ञान तो आपको हो ही रहा है ना, तो वो आपका अलौकिक प्रत्यक्ष में आ जाएगा। अब इस प्रकार देखिए, लौकिक प्रत्यक्ष को जैसे हमने दो भागों में विभाजित किया था, बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष और अभ्यांतर लौकिक प्रत्यक्ष। तो बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष में जो भी इंद्रियों द्वारा ज्ञान होता है, श्रावण प्रत्यक्ष, त्राक प्रक्षिप्त, तो वो पांच प्रकार का हो गया। उसके बाद अभ्यांतर लौकिक प्रत्यक्ष में क्या होता है, जो मन से, तो इसे मानस प्रत्यक्ष भी कहते हैं। केवल मन के द्वारा ग्राह्य होने से यह भी एक या इसका एक ही प्रकार है, इसमें सुख दुख आदि का ज्ञान होता है। ठीक, इसके बाद देखिए अलौकिक प्रत्यक्ष, विषयों के इंद्रियों से प्रत्यक्ष संबंध हुए बिना प्रत्यक्ष ज्ञान का होना क्या होता है, अलौकिक प्रत्यक्ष होता है। इसके पुनः तीन भेद हमने पढ़े थे, सामान्य लक्षण प्रत्यक्षति, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्षति और योगज प्रत्यक्ष। ठीक है, सबसे पहले देखिए सामान्य लक्षण प्रत्यक्षति क्या होता है। ठीक है, देखिए एक विषय को प्रत्यक्षतः देखकर उस विषय से संबंधित वर्ग के अन्य विषयों का बिना प्रत्यक्ष देखे ज्ञान करना सामान्य लक्षण प्रत्यक्षति कहलाता है। देखिए मतलब आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को देखा और आपने उसी के जैसे सिमिलर ऑब्जेक्ट जिसका शेप साइज और सारी चीजें सेम है उनका ज्ञान किया। जैसे एक गाय को प्रत्यक्ष देखकर अन्य गायों का बिना देखे ही ज्ञान कर लेना। आपके घर में एक गाय है तो आपको अगर आप किसी दूसरी भी गाय को अगर नहीं भी आपने कभी देखा होगा तो भी आपको पता होगा कि भाई गाय तो ऐसी ही होती है, तो आप एक गाय को एक घोड़े से भिन्न तो बता पाएंगे ना। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सामान्य लक्षण प्रत्यक्षति। ठीक, चावल के दाने की स्पर्श से परीक्षा कर संपूर्ण चावलों के पके होने का ज्ञान हो जाता है। जैसे कभी आप चावल या कोई चीज बनाते हैं तो आप उसको कैसे चेक करते हैं, तो आप सारे चावलों को तो मीस मीस कर नहीं देखते हैं, किसी एक चावल को ही देखते हैं और उसी से आपको ज्ञान हो जाता है कि वो पूरे भगवाना जो है वो पका हुआ है इसमें चावल या नहीं। तो वो क्या हो जाएगा, सामान्य लक्षण प्रत्यक्षति की एग्जाम्पल में आएगा। उसके बाद देखिए इसका अप्लाइड एस्पेक्ट, बाय सीइंग सिकल शेल शेप्ड आरबीसी इन वन फील्ड ऑफ माइक्रोस्कोप directly with eyes we can imagine the shape of other RBCs present in the body without actually seeing them with eyes। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर, अगर आप माइक्रोस्कोप से स्लाइड में एक आरबीसी का साइज या उसका शेप देखेंगे, दैट इज इट बाई कॉनकेव, तो आपको समझ आ जाएगा कि बॉडी में जो और भी आरबीसी हैं उन सभी का साइज और शेप क्या होता है, बाई कॉनकेव ही होता है। ठीक है, उसी के बाद देखिए ज्ञान लक्षण प्रत्यक्षति, तो यहाँ पर क्या होगा, एक ज्ञानेन्द्रिय का अपने विषय से प्रत्यक्ष संबंध होकर अन्य ज्ञानेन्द्रियों का बिना प्रत्यक्ष संबंध होते हुए भी उसके विषय का ज्ञान होना ज्ञान लक्षण प्रत्यक्षति कहलाता है। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि आपने आके एक इंद्रिय ने देखा और दूसरी इंद्रिय ने, उस एक इंद्रिय ने तो ज्ञान प्राप्त किया है किया, उसके साथ साथ दूसरी इंद्रिय ने भी किया। उदाहरण देखिए, जो मैंने आपको बर्फ के टुकड़े का एग्जाम्पल दिया था वो ज्ञान लक्षण प्रत्यक्षति का एग्जाम्पल है, कि बर्फ के टुकड़े को देखकर उसे स्पर्श किए बिना ही उसकी शीतलता का ज्ञान होना, यहाँ चक्षु इंद्रिय का अपने बर्फ से प्रत्यक्ष संबंध है पर स्पर्श इंद्रिय का नहीं है, पर फिर भी आपको जो है ज्ञान हो रहा है कि बर्फ का टुकड़ा कैसा है, ठंडा है। उसके बाद देखिए इसका अप्लाइड एस्पेक्ट, बाय सीइंग द रेडनेस ऑफ अ स्वेलिंग वी कैन इमेजिन इट्स टेम्परेचर विदाउट टचिंग द स्वेल्ड पोर्शन। जैसे मान लीजिए किसी के कुछ घाव हो गया है या कोई शोथ हो गया है, ठीक है, तो वहां पर क्या है, उभार है और एकदम लाल लाल है, तो क्या आपको छू करके देखने की जरूरत है कि वहां पर दर्द है या नहीं है या वहां का टेम्परेचर बढ़ा हुआ या नहीं है। ऑब्वियसली उसका लाल रंग, उसका उभार आपको पहले से ये बता रहा है कि ये चीज गर्म है ना, और उसका टेम्परेचर भी आपको शो हो रहा है। उसके बाद तीसरा देखिए योगज प्रत्यक्ष, योगज प्रत्यक्ष क्या होता है, योगाभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या बोलते हैं, योगज प्रत्यक्ष बोलते हैं। उदाहरण भूतकाल का, भविष्यकाल का ज्ञान होना। ठीक, इसके दो प्रकार, युक्त और युंजान, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, छोड़िएगा मत कि अरे ये तो भेद का भी भेद है तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। सीधा क्वेश्चन आता है योगज प्रत्यक्ष के भेद लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए योगज प्रत्यक्ष के दो भेद, युक्त और युंजान। युक्त क्या होता है, योगी पुरुषों को सभी पदार्थों का सदैव ज्ञान प्राप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं युक्त। मतलब कोई व्यक्ति अगर कोई सिद्ध पुरुष है तो उसको सभी चीजों का ज्ञान होता है, तो वो क्या होता है, युक्त। युंजान क्या होता है, यह चिंता पारक है, ध्यान की सहायता से या समाधि द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, युंजान। जैसे मान लीजिए, जैसे आपने पुराने टीवी सीरियल्स में कई बार देखा होगा कि ऋषि मुनियों से कुछ सवाल पूछा जाता है तो वो ज्ञान ध्यान में जाते हैं और फिर अपनी बुद्धि से उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं और फिर वापस आते हैं, तो उसको बोलते हैं युंजान। मतलब एक जो है वो उनको पहले से ही ज्ञान है, वो होगा युक्त, और एक जो है कि वो ज्ञान करते हैं, ध्यान की सहायता से ज्ञान को जो अर्जित करते हैं उसे क्या बोलते हैं, युंजान बोलते हैं।
इसके बाद वेरी वेरी आईएमपी टॉपिक आता है प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारणम, ये है हिंड्रेंसेज इन डायरेक्ट परसेप्शन, मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक कारण। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है प्रत्यक्ष प्रमाण से, कुछ आए ना आए ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कि प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारण क्या होते हैं या फिर प्रत्यक्ष प्रमाण के बाधा कारण कौन कौन से होते हैं। तो इसके 8 बाधा कारण हैं, आप इसको अच्छे से याद करिएगा कौन कौन से, देखिए बाधा कारण है तो अति सन्निकर्षात, अति विप्रकर्षात, आवरणात, करण दौर्बल्यात, मनोअवस्थानात, समान अभिहारात, अभिभावात और अति सौक्ष्म्यात। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है बाधा कारण का, तो देखिए प्रत्यक्ष उपस्थित होते हुए भी कभी कभी विषयों का ज्ञान नहीं हो पाता है, यहाँ इंद्रियां एवं उनके अर्थों का सन्निकर्ष होते हुए भी कुछ बाधा कारणों के कारण या तो प्रत्यक्ष होता ही नहीं है या दोषपूर्ण होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेकिन वो कपड़े से ढका है, तो क्या आपको वो ऑब्जेक्ट दिखेगा? नहीं। क्या यहाँ पर इंद्रियों की कोई गलती है? नहीं। क्या सन्निकर्ष नहीं हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो ढका हुआ है इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। मान लीजिए आपकी आईज में मायोपिया है, एक ऑब्जेक्ट सामने रखा है और आपको दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर आपकी इंद्रियां दोषयुक्त हैं उस कारण। तो इस प्रकार अलग अलग 8 बाधा कारण हैं जिसके कारण से प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधा उत्पन्न होती है। सबसे पहले देखिए अति सन्निकर्षात, नाम से समझ आ रहा है मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है। ठीक है, तो दोस्तों जो है हमने आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मुझे कुछ कारणवश वीडियो यहीं ख़त्म करना पड़ रहा है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।